हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। आज के दिन में देखिए, जायडुस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स पेश कर दिए हैं। कैसे कुछ नंबर्स हैं तो चलिए फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं क्या कुछ नतीजे जो है आज के दिन में जायडुस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के पेश कर दिए हैं। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं अपनी लिस्ट के नीचे और यहाँ पर हैं सारे के सारे नंबर्स और सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर मिलियंस में दे रखी है। और ये है आपका क्वार्टर टू, क्वार्टर वन, लास्ट ईयर क्वार्टर टू। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम की, जिसमें सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और काफ़ी सारी चीज़ें अलग से देखने को मिल रही हैं। तो टोटल जो इनकम रही है कंपनी की 44,228 मिलियन के आसपास की है, जो कि क्वार्टर वन के अंदर 51,756 मिलियन के आसपास की थी। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे इनकम जो है वो डिक्लाइन हुई है, और अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 40,499 मिलियन से बढ़कर 44,228 मिलियन है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खर्चा देखें तो टोटल एक्सपेंसेस जो है अब की बार 34,156 मिलियन के हैं, जो कि क्वार्टर वन के अंदर 38,322 के थे और लास्ट ईयर 34,071 मिलियन के थे। तो ईयर इन ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुए हैं खर्चे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चा जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ईयरली बेसिस पे थोड़े से खर्चे बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि कंपनी की इनकम जो है क्वार्टर वन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रही थी। बात कर लेते हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखने को मिले तो यहाँ पे 8,007 मिलियन के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जो कि क्वार्टर वन के अंदर ऑलमोस्ट 10,869 मिलियन के आसपास का था, और लास्ट ईयर क्वार्टर टू की अगर बात करें तो 5,225 मिलियन था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5,225 मिलियन से बढ़कर 8,007 मिलियन और कहीं ना कहीं क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। तो नंबर्स जो हैं ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे जायडुस ने पेश किए हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से नंबर्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं।